तो हेलो वर्स, तो आज मैं अरबी का झोल बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ये सरसों का तेल चढ़ा दिया है। इसमें ये मखाने में थोड़े से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है इसका। ज़्यादा फ्राई नहीं करने हैं, मैं हल्की ही फ्राई करूँगी। वैसे मैं इसकी रेसिपी डाल चुकी हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो मेरे मखाने फ्राई हो गए हैं, ये देखिए। हल्की फ्राई करनी है। ये मैंने पनीर काट लिया है, इसमें पनीर भी डलता है। ये पनीर फ्राई कर लूँगी। इसको भी हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है। हल्का हल्का फ्राई हो जाएगा, इसको निकाल लेंगे। हमारा हल्का फ्राई हो गया है। अब ये मैंने अरबी को पतला पतला काट लिया है, बहुत पतला पतला काट के स्लाइस कर लिए हैं। उसको काट लिए हैं, इसको तल लें। इधर मेरी अरबी तल रही है, इधर मैंने दही लिया है। दही में लाल मिर्च डाल ली है थोड़ी। ये हल्दी है, धनिया डाल लिया, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, क्योंकि दही मेरा मीठा था इसलिए नहीं। दही अगर खट्टा है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। और इसको हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी देगी मिर्च भी डाली है मैंने कलर के लिए। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मसाले हमने दही में इसलिए मिला लिए जिससे हमारा दही फटे नहीं, तो मसाले मिला लिए हमने। हमारी अरबी फ्राई होने आ गई है, इनको हम निकाल लेंगे। अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब इसमें हमने ये थोड़ी सी रतन जोत होती है डालते हैं, इससे कलर अच्छा आता है। अच्छा है तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। मैंने डाली है, देखिए इससे कलर अच्छा आ जाता है। बाजार वाले डालते हैं, हलवाई डालते हैं इसको, तो मैंने डाल दी है। इसमें अजवाइन डालेंगे, और ये अजवाइन में अच्छी लगती है। ये दही में जो मसाले मिक्स करे थे ना हमने, वो डाल देंगे हम। और गैस को सिम कर देंगे। थोड़ा हमने पानी डाल लिया। कड़ी पत्ता मैं शुरू में भूल गई थी, तो मैंने अब लास्ट में डाला है। तो वैसे शुरू में ही डालिए आप, फ्रेश कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ते से इसका फ्लेवर अच्छा आता है। मैंने डाला है, थोड़ा बॉयल आने देंगे हम इसमें। अब नमक हम डालेंगे, नमक डालने से दही फट जाता है, तो हमने बाद में डाला है। तो बॉईल आ गया हल्का सा, थोड़ा सा काला नमक भी डाल देंगे। मिक्स कर देंगे इसको, देखिए कलर अच्छा आया। अच्छी तरीके से बॉईल आ गया हमारे इसमें। इसमें हम जी तीनों चीज़ डाल देंगे, अरबी मखाना।